हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय डिप चैनल नैचुरूटी हेयर ऑन मैं हूँ सीमा आप लोग के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा हेयर ऑयल जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अभी मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ वन ईयर का हेयर ग्रोथ चैलेंज ठीक है तो मैं आप लोग के साथ में अभी कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर रही हूँ जो कि वो चीज़ें हमारी वन ईयर की हेयर ग्रोथ चैलेंज में ऐड होंगी ठीक है तो मैं आप लोग को यहाँ पर विंटर स्पेशल बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की समस्या हो रही है तो इस हेयर ऑयल को अगर आप प्रिपेयर करके यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बालों की जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी बालों की थिकनेस है तो बहुत अच्छी चीज है अगर बालों की थिकनेस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है दूसरी चीज मैं आप लोग को यहाँ पर यही चीज बोलूंगी कि देखो हेयर एक्सटेंशन तो बिल्कुल भी मत कराओ अगर आपके बालों की डेंसिटी पहले से थी पहले से बाल आपके अच्छे हैं अब झड़ चुके हैं तो वो ग्रोथ हो जाएगी अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे तीन महीने के कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें आप खुद देखेंगे आपको फर्क कितने अच्छे मिल रहे हैं ठीक है दूसरी चीज ये कि अगर आप चाहें तो हमारा तीन महीने का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा ठीक है आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोग के साथ में दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता हेयर ऑयल शेयर कर रही हूं जो कि आपके बालों के लिए कंप्लीटली बहुत ही बेस्ट है हेयर थिकनेस को प्रमोट करेगा बालों को घना तो बनाएगा बनाएगा साथ में लंबा करेगा ठीक है दूसरी चीज ये कि आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है ईचिंग की प्रॉब्लम है ऑयली स्कैल्प है कोई भी स्कैल्प है सभी लोगों को ये ऑयल सूट करने वाला है विंटर में भी यूज होगा और आपका समर में भी ये ऑयल आपका प्रयोग किया जाएगा ठीक है वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा वीडियो आप लोग अच्छे से देखें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखा करें आप लोग को छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पर बताती हूँ जो क्लियर करते हुए चलती हूँ कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो ठीक है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी आपके जो हेयर पैक है टोनर है टॉनिक है रिंस वाटर है नाइट हेयर पैक है सीरम है हेयर पैक है रीग्रोथ हेयर लेप है कैसे कब यूज करना है आप लोग को इस टॉपिक पे जो वीडियो मैंने दी थी आप लोग को समझ में आई या नहीं आई अगर नहीं आई तो आप लोग मुझे बताइए तो मैं आप लोग के साथ में सेवन डे का जो हेयर ग्रोथ चैलेंज है सेवन डे अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी जिसमें आप लोग को पता लग जाएगा कि मैं अपने बालों की कैसे केयर करती हूँ ठीक है तो आप लोग उसको देख करके आगे की चीजों को फॉलो कर पाएंगे अगर आप लोग को ये वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा मेरे पास सौ कमेंट होने चाहिए कि दीदी आप सेवन डे अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करिए ठीक है तो उसमें मैं आप लोग के साथ में वन डे से लेकर सेवन डे तक का सारा कुछ शेयर करूंगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट मैं हूं सीमा आप लोग के साथ में जो चीज़ मैं आज शेयर करने वाली हूं बहुत ही सिंपल हेयर ऑयल है और बहुत ही स्ट्रांग हेयर ऑयल है इस ऑयल को सभी लोग यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही यूज कर सकते हैं इस ऑयल को आप भी यूज कर सकते हैं बच्चे भी यूज कर सकते हैं सारे लोग यूज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं इस ऑयल को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बाद मैं मिलती हूँ ठीक है so सो गाय चलिए देख लेते हैं इस हेयर ऑयल को कैसे प्रिपेयर करना है ये बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल है मैं भी अपने बालों की थिकनेस कर रही हूँ क्योंकि बालों की थिकनेस इसलिए कर रही हूँ मेरे भाई की आप लोग को पता ही है आप लोग से क्या छुपाना अगर आप लोगों ने सीमा ब्लॉग को नहीं फॉलो किया तो उसको फॉलो करना शुरू कर दें वहाँ पर मैंने अभी आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर किया हुआ है तो उसको ज़रूर देखें तो सगाई है नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर उनकी शादी है तो मैं सोच रही हूँ कि जितने बाल मेरे हैं इतने घने और इतने ही लंबे बाल और कर लिए जाएं आप लोग के साथ में तो आप लोग भी रेडी हो आई थिंक तो मैं आप लोग के साथ में जो जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी एवरी मंथ का नया नया स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग के साथ में तो आप लोग इस ऑयल को भी प्रिपेयर करिए वन ईयर का चैलेंज आप लोग के साथ में मैं फैब से लेकर के आने वाली हूँ तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा जनवरी में मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी कि क्या क्या चीज़ों की नीड है तो यहाँ पर इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए आपका वन टेबल स्पून आपका जो काली मिर्च होता है वो उसके पाउडर बनाएंगे तो उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पर बेस ऑयल के लिए लिया है आपका तिल का तेल अब आप लोग को मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं तिल का तेल बहुत ज़्यादा क्यों यूज़ करती हूँ अगर आप लोग इसकी वीडियो चाहते हैं डिटेल में कि मैं तिल का तेल क्यों यूज़ करती हूँ किस ब्रांड का यूज़ करती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी तो यहाँ पर हमारी जो काली मिर्च है उसका पाउडर बन चुका है ठीक है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आपका 500 सौ हेयर ऑयल आपका तिल का तेल बेस ऑयल तिल का तेल 500 सौ में आपका दो चम्मच के करीब आपका काली मिर्च का पाउडर जाएगा ठीक है आप यहाँ पर काली मिर्च मार्केट का पाउडर मत लेकर आए आप घर पर काली मिर्च लाएं और जैसे मैंने उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पाउडर बनाया है वैसे ही आप इसको पाउडर बना लें आपको बता दें कि काली मिर्च आपके बालों के लिए और आपके फेस के लिए डैंड्रफ के लिए हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है जिनको फेस पे प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को भी काली मिर्च के बहुत सारे फायदे बताऊंगी आप लोग काली मिर्च का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें दूसरी चीज ये कि आप इसको ठंडी में कैसे यूज़ करें इन सब चीज़ों का अलग अलग तरीका होता है गाइस अगर आप काली मिर्च का प्रयोग करते हैं ठंडियों में तो उनका प्रयोग करने का तरीका अलग होगा और गर्मियों में प्रयोग करने का तरीका अलग होगा तो मैं आप लोग के साथ में इसका डिटेल में वीडियो बना दूंगी बट अगर आप अभी इस ऑयल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको आप बनाइए इसको सभी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा डेंड्रफ की समस्या है वो इस ऑयल का प्रयोग ज़रूर करें और जिनके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी आप एक महीने इस ऑयल को तैयार कीजिए रेडी करिए और ट्राई करके मुझे कि आपके बालों की कितनी होती है? मैक्सिमम आपके बालों की जो लेंथ है वो एक महीने में तीन इंच जरूर जरूर से जरूर होगी, ठीक है आप उससे पहले अपने बालों की कटिंग करें शुक्ल पक्ष में आपका शुक्ल पक्ष पांच तारीख से शुरू हो चुका है पांच दिसंबर से लेकर उन्नीस तारीख तक आपका शुक्ल पक्ष है ठीक है तो आप लोग इस बीच में अपने बालों की कटिंग जरूर करें और कटिंग करने के बाद से अपने बालों की मेज़रमेंट जरूर करें और उसके बाद से स्टार्ट करें मेरा इस हेयर ऑयल का प्रयोग करना आप देखेंगे कि आपके बालों की जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी ठीक है तो इस ऑयल को प्रयोग करने के लिए जब भी आप यूज़ करेंगे तो आप सबसे पहले हेयर वॉश करेंगे हेयर वॉश करने के बाद ही आप इस ऑयल का प्रयोग करेंगे जब भी आप इस ऑयल का प्रयोग करें हमेशा कोशिश रखें कि अपने बालों को क्लीन करें साफ़ करें उसके बाद ही इस ऑयल का प्रयोग करें क्योंकि इस ऑयल से आपके जो पोर्स बंद हो चुके हैं वो पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं नए पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं तो बालों की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है तो इस ऑयल का जो मेन काम है आपके बालों की थिकनेस का तो आपके बालों की जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी होगी आपके बालों की जो डेंसिटी है वो बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी जो ग्रोथ रुक चुकी थी वो भी बढ़ना शुरू हो जाए क्योंकि ये स्कैल्प में जाकर आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है मींस की ब्लड के सर्कुलेशन को तेजी से स्पीडली बढ़ाता है जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है नए नए बेबी हेयर आना शुरू हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो आप लोग इस चीज़ को जरूर से जरूर बनाएं और ट्राई करें ट्राई करने के बाद से फीडबैक जरूर शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना फीडबैक नहीं देते हैं अगर आप अपना फीडबैक देते हैं तो आप दूसरों की भी हेल्प करते हैं इस ऑयल को बनाने के बाद आप क्या करेंगे कांच के जार में या फिर प्लास्टिक के जार में भरकर रख दें एक महीने के लिए ठीक है सो so गाइज देखा आपने जो हमारा हेयर ऑयल है बनकर रेडी हो चुका है इस हेयर ऑयल को प्रिपेयर करें और यूज करें आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको फर्क लगना शुरू हो जाएगा जो आपके बाल झड़ रहे हैं गिर रहे हैं वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा और आज से मैं आप लोग के साथ में जो चीजें शेयर कर रही हूँ इनको आप कंटिन्यूअसली कीजिए क्योंकि अगर बाल नहीं रहेंगे सर पर तो आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे आप लोग को मैं यहाँ पर बता दू कि बालों की अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो आपके बाल पतले थे हल्के थे झड़ चुके हैं तो वो आ जाएंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हेयर एक्सटेंशन की तरफ मत जाए हेयर एक्सटेंशन तभी होगा जब आपके सर पे बाल होंगे बालों के साथ में कुछ हेयर को अटैच किया जाता है ठीक है जिससे आपके बालों पर आपके जड़ों पर वेट पड़ता है और आपके बाल जो होते हैं हल्के हो जाते हैं आपके सर पर बाल ही नहीं रहेगा तो आप कैसे हेयर एक्सटेंशन कर सकते हो आप ये वीडियो देखिए देखा आपने ये जो हमारी वीडियो है इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हेयर एक्सटेंशन कैसे होता है ठीक है तो आप लोग अपने बालों के साथ गेम ना करें क्योंकि एक औरत की ब्यूटी एक लड़की की ब्यूटी एक लड़के की ब्यूटी आपके बालों से ही है ठीक है तो अपने बालों के बारे में सोचें उनको सेफ रखें ठीक है अगर बाल हल्के थे पतले थे अब झड़ चुके हैं ठीक है तो वो हो जाएंगे बट अगर आपके सर पर पोर्स ही सौ हैं है ना तो आप उनको 200 500 नहीं कर सकते हो ये चीज़ मैंने आप लोग को हमेशा बताई है पतले बालों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है आप उनको लंबा कर सकते हो स्ट्रेट कर सकते हो उनको घना नहीं कर सकते सौ बाल थे तो सौ ही बाल रहेंगे आप उनमें 500 सौ पोर्स नहीं उगा सकते हो ठीक है ना इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही था वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मुझे आप इंस्टा पे फॉलो करें जहां पर मैं आप लोग के साथ में छोटी छोटी टिप्स शेयर करती हूँ हेयर के अकॉर्डिंग ठीक है बाय